यार, वो शिवानी साहब का चेक आ गया? आ गया होगा, उनके चेक में कभी देरी नहीं होती। यार अनवर, मैंने तुम्हें और भाभी जान को कई बार इनवाइट किया, तुम लोग हमारे यहाँ आना ही नहीं चाहते। अब क्या इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है शादी की मसरूफियात में कुछ प्रोजेक्ट पीछे हो गए थे, बस उन्हीं पे तवज्जो दे रहा हूँ। तुम तो तजुर्बेकार हो, शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, तो फिर आमदनी भी तो बढ़ानी चाहिए। हाय अनवर साहब, भाभी चार्टर अकाउंटेंट हैं, अच्छी जॉब पर भी हैं, तुम्हारी आमदनी तो खर्चे से ज़्यादा ही हो गई है। और वैसे भी जो ख्वातीन खुद कमाती हैं ना, वो खर्चे जरा संभल कर करती हैं। कौसर अब जॉब नहीं करेगी, कहती है शादी के बाद जॉब नहीं करना चाहती। अब मैं तो कोई जोर जबरदस्ती उस पे करता नहीं, उसकी मर्जी है। स्ट्रेंज भाई, हमारी बेगम साहिबा का तो मसला ही उल्टा है। शादी के बाद नौकरी शुरू करी, हमने भी कहा ठीक है, सास बहू के रोज रोज के झगड़े से छुटकारा मिलेगा, और ये दिन भर के ये जो टीवी सीरियल्स आते हैं भाई, इनसे भी बचाव होगा, वरना आजकल की औरतें इन्हें देख देख कर पॉलिटिक्स शुरू कर देती हैं घर में। भाई सुहेल, हमारे घर में तो उल्टा है, अम्मी और कौसर दोनों मिल के मुझसे झगड़ती हैं। हाय अनवर। बोलो क्या बात है? क्या हुआ, बहुत रुके रुके बात कर रहे हो, कोई है क्या पास में? हाँ मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा सुनो, आज ना एक फिल्म रिलीज हुई है, हैदर, देखने चले शाम का शो? मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, फारिग होके तुमको कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिल्म और नो फिल्म, पर आज शाम हम मिल रहे हैं, राइट? ठीक है, अब रखो तो। अच्छा रखती हूँ, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई चोरी कर रहे हो। बाय। लगता है भाभी जान थी। हाँ हाँ वही थी, कह रही थी कोई नई फिल्म आई है, कोई हैदर नाम की, तो उसको देखने के लिए बोल रही थी। अरे तो जाओ भाई, ज़रूर जाओ, हनीमून पे भी कहीं नहीं गए, कम से कम यहीं हुआ आओ। और अब की बार मेरे घर पे आना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं सुनूंगा अब की बार मैं। हाँ हाँ बताता हूँ, शाम को जल्दी जाऊँगा वो कौसर। हाँ हाँ ज़रूर, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं वॉशरूम होके आता हूँ। बीवी का फोन आया है और पेशानी पे पसीना छलक जाए, हो नहीं सकता, जरूर कोई मोहतरमा का कॉल होगा। भाईजान, मैं अनवर की जिद से इत्तेफाक नहीं रखती, पढ़ लिख कर ऐसी पुरानी सोच, आपको मैं क्या अर्ज करूं, मैं खुद भी बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन तालीम नहीं थी, और आज एक तालीम याफ्ता बहू को महज बावर्ची खाने में छोड़ देना कहाँ की अकलमंदी है। देखिए जिंदगी का दूसरा नाम ही समझौता है। आज शायद अनवर को कौसर का बाहर काम करना पसंद ना हो, लेकिन हो सकता है वक्त गुजरते ही उसके ख्यालात भी बदल जाएं। भाई साहब, मैं कौसर को सिर्फ बहू नहीं बेटी भी मानती हूँ, खोट तो मेरे बेटे में है। देखिए बहन, अब किस में खोट है, इस चक्कर में ही हम लोग पड़े रहेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। वैसे मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो मेरी बात को कभी नहीं ठुकराएगी। ठीक है अबू, अगर आप कहते हैं तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लड़की हूँ ना मैं, शायद खुदा ने लड़की को बनाया ही इसलिए।
पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहे, अभी तो बात हुई थी। तुम्हारा कोई फोन आया था, देख लो कोई जरूरी तो नहीं था। अच्छा, वो भी हमारे साथ चलेगी फिल्म देखने, तो तुम 3 टिकट मंगवा लेना। ठीक है, ओके बाय। फिर से बेगम साहिबा का कॉल था। अच्छा तो मैं निकलूं, वो पहुंच गई तो इंतजार करेगी। हाँ हाँ, जरूर जरूर निकलो, भाभी को मेरा सलाम कहना, और मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ, मुलाकात करता हूँ। आंटी से भी बहुत दिन हो गए, मिल नहीं पाया उनसे। ठीक है, तुम चलो, मिलते हैं फिर। ठीक। ये रुक्स कौन है? भाभी का नाम तो कौसर है, शायद भाभी का नाम चेंज करके रुक्स रख दिया हो। चलो ठीक है। जी कैसे हैं? आज शाम 5 बजे? अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेला ही आऊँगा, वो अनवर नहीं आ पाएंगे, वो थोड़ा मसरूफ़ हैं। जी मैं मिलता हूँ। ओके ओके। आओ बिठाओ। अरे आज तो ईद का चांद निकल आया भाई। आंटी बस ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने आज तय कर दिया था कि मुझे आपसे मिलना है। माशाल्लाह। अनवर ऑफिस से निकला, मेरी भी एक मीटिंग ही पास में फिक्स हो गई, तो मैं आ गया। बहुत अच्छा किया, महीनों हो जाते हैं तुम्हें आए हुए। और बताओ कोकिला कैसी है? कोकिला ठीक है। आंटी मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। मैं अनवर को बुला बुला कर थक गया हूँ कि वो आपको और भाभी को लेके मेरे घर पर आए, मजाल है वो आ गया हो। चलो अब आएगा तो बता दूंगी, अब तुम बैठो, मैं बहू को बुला के लाती हूँ। क्या भाभी घर पर है, अनवर के साथ नहीं गई? कहाँ, कहीं भी लेकर नहीं जाता उसे, मैंने कई बार कहा लेकिन बस क्या कहूँ, बहुत जिद्दी है। फिर कहां गया, किसके साथ गया है, क्या उसने मुझे झूठ बोला? अच्छा तो वो मोबाइल पर रुक्स नाम वाकई में किसी और का है, भाभी का नहीं है।